जमशेदपुर में छात्राओं के सबसे पुराने कॉलेज में से एक द ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन को अब नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। 1971 में अपने स्थापना से लेकर अब तक ये साक्षी थाना के पास स्थित कैंपस में चल रहा था। टाटा स्टील के 11 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता विस्तार के प्रोजेक्ट के तहत पुराने कैंपस को कंपनी के अंदर लिए जाने की योजना है, जिसे देखते हुए टाटा स्टील ने कॉलेज के नए कैंपस का निर्माण किया। ये नवनिर्मित कैंपस साक्षी में ही रविन्द्र भवन के पीछे है। 74,626 स्क्वायर फीट में 28 करोड़ की लागत से बनाए गए नए कॉलेज कैंपस में एक साथ 6,000 से अधिक छात्राएं पढ़ाई कर सकती हैं। आपको बता दें कि इस नए कैंपस को कई आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया गया है, जैसे लिफ्ट, इमरजेंसी एग्जिट, वाईफाई जैसी सुविधाएं इस नए कैंपस में मौजूद हैं। मेरा ये सेकेंड ईयर है और नया कैंपस आप लोगों को मिला है इस नए साल में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कैंपस बहुत साफ सफाई है, कैंपस बहुत क्लीन है और यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास अभी हुआ नहीं है, ऑनलाइन क्लास होता था। बहुत अच्छा, अभी पूरी तरह से आपने कैंपस घूम के देखा है कैसा बना है? वहाँ से बहुत अच्छा है ना, तो क्या कुछ फैसिलिटी आप लोगों को लग रहा है कि इस बार नया मिलेगा हम लोगों को इस कैंपस में? फर्स्ट है, क्लीन है, सबसे बड़ी बात है क्लीन है और सब कुछ अच्छा है, नया है। वहाँ पे तो टूटा जैसा लग रहा था बट यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा। पहले उस कॉलेज उस कैंपस में आपने पढ़ाई की थी, नया कैंपस मिल रहा है कैसा लग रहा है? नया कैंपस अच्छा है, किस मतलब पहले से कितना अच्छा है, क्या कुछ नया आपको लग रहा है इस कैंपस में, क्या अच्छा है इसमें? सबसे पहले तो साफ सफाई, उसके बाद पूरा मतलब अलग टाइप से है कॉलेज। में सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, यहाँ है कि देखिए सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ आग लगती है कुछ है तो तुरंत आप सब जगह इन्फॉर्म कर सकते हैं, इससे आवाज पूरे बिल्डिंग में चली जाएगी और सब कोई तुरंत नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर का लगेगी ना भाई, चट से बाहर निकल सकेंगे जो भी है। और इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे जो है ना, हम लोग के यहाँ वहाँ पर बिल्डिंग में जगह नहीं थी इतनी, तो यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए, ग्रीनरी पे भी खास ध्यान दिया, ग्रीनरी बहुत कर दिया है, लोगों ने पेड़ खुद लगा के ही दिया है, फिर भी शौक होता है हर आदमी का थोड़ा बहुत, तो कुछ फूल के पौधे या कुछ कुछ पेड़ हम लोगों ने भी मिलकर लगाया है, लेकिन वो लोग पूरा लगा के दिए, बहुत सुंदर बना के लिए। मैम कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए और पढ़ाई के लिए क्या कुछ खास? पढ़ाई के लिए भी सब व्यवस्था है, अच्छा है, कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ। और अभी तो चूँकि ऑनलाइन है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब अभी नहीं हो पाया था, सब हो गया, इंटरनेट कनेक्शन प्रो, वाईफाई सब हो गया। और कैंटीन वगैरह कैंटीन अभी हम लोग चालू नहीं, कोविड अच्छा, कोविड की वजह हम लोग नहीं। हाँ, और वो जो मैंने हम लोग का था पहले भी, हम लोग में कोटेशन होता है, उसको कोटेशन को देख के ही किया गया है, वो सब है लोअर जिसका होता है सबसे, और जो अच्छा भोजन दे, जैसे कि बहुत लोग फास्ट फूड वगैरह देते हैं तो वो सब तो हम लोग नहीं ना पड़े, खिलाना चाहेंगे बच्चों को जो भी है ऐसा खाना जो कि इडली है सांभर है वही सब बनाने वाला ही था वही अभी, लेकिन हम लोग कुछ अभी शुरू नहीं हुआ है। लाइब्रेरी की मैम इस बार क्या व्यवस्था है? लाइब्रेरी है माने बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन अभी हम लोग सिफ्टिंग में हैं और लाइब्रेरी अभी सेट नहीं, अभी सेट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे, हम लोग के पास पावर जो है मेन पावर है वो बहुत कम है, रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पर, जल्दी कोई काम नहीं रहा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।